अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक ख़बर है। ट्विटर पे इस वक्त आप जाएँ आपको नज़र आएगा टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ उस्मान मिर्ज़ा के नाम से ट्रेंड जो चल रहा है उसका बैकग्राउंड भी आपको बताता जाऊँ और उस ख़बर से भी आपको आगाह करूँ। उस्मान मिर्ज़ा नामी एक शख्स है जो इस्लामाबाद में ऑटो लैंड नामी शोरूम का भी मालिक है और ये इंतहाई बासर और बदमाश किस्म का आदमी लग रहा है। जो अभी तक इसके हवाले से न्यूज़ आई है उसको देखते हुए पता चल रहा है कि ये बदमाश आदमी है। और वीडियो एक इसके हवाले से आई है जिसमें ये बंदा एक लड़की और लड़के को उनको हरेस कर रहा है और उनको सेक्सुअल एक्टिविटी पे उनको फोर्स कर रहा है। इसने ज़बरदस्ती उनको गन पॉइंट पे उनको बेलिबास करवाया और यहाँ तक खबर है कि उनको उस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। उसकी फ़ोटोज़ और वीडियो तो सरेआम आ चुके हैं जिनमें ये उनको मार रहा है दोनों को, और लड़की को बेलिबास करने की भी वीडियो मौजूद है और उसको कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से भी। हमज़ा शफकत जो इस वक्त कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने कहा कि इसको गिरफ़्तार कर लिया गया बंदे को, लेकिन इन तस्वीर को हटाया जाए लोग कर रहे हैं। और उसका एक नेगेटिव ये भी हो सकता है कि अगर बासर आदमी हुआ तो इसको छोड़ दिया जाएगा। और लड़की के साथ जो सलूक हुआ है, किसी की माँ बहन बेटी को अगर इस तरह नंगा किया जाए, उसको ज़्यादती उसके साथ की जाए और किसी और को उसके साथ ज़्यादती करने पर मजबूर किया जाए, वो भी एक कैमरे में, जबकि वो माफ़िया मांग रही है, वो छूट देने की इल्तिजा कर रही है, तो ये इंतहाई ज़ालिमाना इकदाम है। और ये बंदा इससे पहले भी इसकी एक और वीडियो चल रही है, वो गालबन इससे पहले की है या बाद की है, जिसमें ये बंदा वीडियो में कह रहा है कि कुछ लोग जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे उन्होंने पर्चा करा लिया हमारे खिलाफ़, तो 10 दिन तक में जो है वो मेरा नंबर बंद रहेगा और ये और वो। तो इसकी उस वीडियो को देख के लगता है कि पहले भी कुछ मुजरिमाना हरकत में मुलविस था और इंतहाई बदमाशी वाला इसका रवैया है वीडियो में। तो इस पे ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि इस बंदे को एक अरेस्ट किया जाए और लोगों की तरफ से राय आ रही है कि इसको फांसी पे लटकाया जाए। और वाकई इस तरह के लोगों को जब तक लटकाया नहीं जाएगा, सूली नहीं दी जाएगी, तो उस वक्त तक औरतें भी सेफ़ नहीं हैं, ना बच्चियाँ, ना औरतें, ना बच्चे, कोई भी सेफ़ नहीं है। केस रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन सामने आते हैं और फिर वो हम उनको भूल जाते हैं। जब तक सिस्टम इनको ख़त्म नहीं करेगा, एलिमिनेट नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इस आवाज़ को आप आगे पहुँचाएँ कि अरेस्ट नहीं हैंग उस्मान मिर्ज़ा, और इसी तरह के और जो लोग हैं उनको अरेस्ट ही ना किया जाए, उनको लटकाया जाए सरेआम पब्लिकली, उनको एग्जीक्यूट किया जाए, फांसी दी जाए, कत्ल किया जाए, मारा जाए हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ये हुकूमत का काम होता है। तो ये थी अभी तक की न्यूज़। आप भी इस कैंपेन में हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। एक बात और रहेगी भाई कि इस ख़बर को आप नोटिस में रखिएगा, यह ना हो कि हुकूमत इस आदमी को, अगर ये बासर हुआ तो इसको छोड़ ही दे और हम सिर्फ ट्विटर पे ही अपने ट्रेंड चलाते रह जाएं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।